बच्चा। कहानी बंगाल के एक छोटे से तटीय गांव गंगोरम में शुरू होती है। ये गांव अपराध और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और यहां कानून की कोई पकड़ नहीं है। सत्ता यहां एक डॉन के हाथों में होती है जिसका नाम दबोला है। दबोला गांव में अपराधियों को संरगना है जो अपने गुंडों के सारे सभी पर राज करता है। उसी के एक भरोसेमंद आदमी है मंदार और उसका साथी मुन्ना। मंदार की पत्नी लैली भी इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो महत्वाकांक्षी और चलाक है। एक दिन दबोला को एक भविष्यवाणी सुनाई जाती है कि उसका स्थान कोई दूसरा ले लेगा और वह जल्दी अपने साम्राज्य को खो देगा। ये भविष्यवाणी मंदार के मन में सत्ता के प्रति लालच और महत्वाकांक्षा को जगा देती है। मंदार को ये लगने लगता है कि वह दबोला को हटाकर गांव का अगला संरक्षक बन सकता है। इस दौरान उसकी पत्नी लैली उसे सत्ता हासिल करने के लिए उकसाने लगती है। लैली चाहती है कि उसका पति गांव का सबसे ताकतवर आदमी बने और वह मंदार को किसी भी हद तक जाने के लिए प्रेरित करती है। मंदार अपनी पत्नी के उकसावे और अपने मन में बढ़ती लालच के चलते दबोला को मारने का फैसला कर लेता है। वह अपने साथी मुन्ना के साथ मिलकर दबोला की हत्या कर देता है और गांव के लोगों में दहशत फैलाने के लिए समुद्र में फेंक देता है। दबोला की मौत के बाद मंदार धीरे धीरे गांव के नए डॉन के रूप में उबरने लगता है। अब मंदार के पास सब कुछ है जो उसने चाहा था, लेकिन ये सत्ता उसके लिए शांति नहीं बल्कि अस्थिरता और भय लेकर आती है। जैसे ही मंदार सत्ता में आता है उसे तरह तरह के विरोधियों का सामना करना पड़ता है। मुन्ना जो पहले उसका साथी था अब खुद सत्ता का हिस्सा बनना चाहता है और मंदार के खिलाफ चाले चलने लगता है। इस बीच मंदार को भयानक सपने आने लगते हैं और वह दबोला की आत्मा को बार बार देखता है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वह धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ता है। लैली जो शुरू से ही महत्वाकांक्षी थी मंदार के बढ़ते पागलपन और कमजोर होते मानसिक संतुलन का फायदा उठाकर खुद सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। वह मंदार को और भी हिंसक और क्रूर कदम उठाने के लिए उकसाती है, लेकिन मंदार की हत्या की लालसा और बढ़ते पागलपन के चलते वह अपने ही लोगों को संदेह की नजर से देखने लगता है और उसे विश्वासघात की आशंका सताने लगती है। मंदार के अंत की शुरुआत तब होती है जब गांव में उसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। उसका साथी मुन्ना और गांव के अन्य लोग उसे सत्ता से हटाने की योजना बनाते हैं। मंदार जो पूरी तरह से पागल हो चुका है खुद को हर किसी से घिरा हुआ महसूस करता है। अंत मुन्ना और अन्य ग्रामीण उसकी हत्या कर देते हैं और इस तरह मंदार की सत्ता का अंत हो जाता है। लैली जो मंदार की महत्वाकांक्षा में उसकी साथी थी अब अकेली रह जाती है और उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। मंदार में दिखाया गया है कि सत्ता की भूख और लालच इंसान को किस हद तक ले जा सकते हैं। ये सीरीज शेक्सपियर के मैकबेथ के थीम्स जैसे महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, अपराध और त्रासदी को आधुनिक बंगाली परिवेश में प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि अपराध और सत्ता का खेल अंत विनाश की ओर ले ही जाता है।